एवरीवन, वेलकम इन चिल्ड्रंस क्लब। बच्चों, आज हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन का साइन आपको पता है, आप क्लास फोर्थ के हिसाब से बड़े बच्चे हो, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं आज क्या हमने नया लिया है। आज हमने नया इसमें थ्री डिविडेंड में थ्री डिजिट लिए हैं, ठीक है। डिविडेंड में थ्री डिजिट लिए हैं और टेबल तो अभी हमने छोटे ही छोटे लिए हैं, तो ठीक है। इसको पता ही आपको, डिवाइजर कहते हैं, ये सब डिविडेंड होता है। यहाँ डिविडेंड की ए है और ये डिवाइजर होता है, और जो डिवाइजर होता है उसका टेबल पढ़ा जाता है। तो डिवाइजर हमारा यहाँ पे है फाइव। फाइव का टेबल पहले वन नंबर में देखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर में देखते हैं। जब फर्स्ट नंबर में देखते हैं कि फाइव वन जार फाइव माइनस नहीं होगा, तो उसका सेकेंड वाला नंबर मिला के एक नई डिजिट बनती है जो कि 2828 बनती है। अब हम देखते हैं कि 5 के टेबल से 28 माइनस इसमें कुछ होगा क्या? 5 के टेबल से 28 में डिवीजन होगा, माइनस हो पाएगा? तो पता लगाते हैं वो नंबर क्या है। 5 5 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 5 6 अगर करेंगे तो 5 6 30 होता है, 32 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 0 30 लिखना पड़ेगा, और ये हमारे पास तो 28 ही है, इसलिए 5 6 30 ना लिख करके 5 5 25 25 लिखेंगे, ठीक है। और अब हम जब 5 5 25 यहाँ लिख देंगे, अब हम माइनस करेंगे इसे। पहले हम 8 में से 5 को माइनस करते हैं, 8 5 6 7 8 में से क्या माइनस करना है, 5 1 2 3 4 5 5 माइनस हो गया, बचा 1 2 3। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचा 3। अब अभी तो हमारे पास नंबर और है, इसलिए इस नंबर को यहाँ पर इसके साथ में उतार लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये नंबर है 5 5 को हमने ठीक, हाँ, स्टेट, बिल्कुल स्टेट लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किसको किससे माइनस कर रहे हो आप, ठीक उसी के नीचे लिखोगे। कहाँ से कहाँ आपने नंबर को नीचे लिया है वो बहुत ध्यान से, बहुत सीधा इनका, बहुत स्टेट लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 तो पहले से रिमाइंडर बचा था, और 5 हमने ये वाला ले लिया, एक नए डिजिट बन गए 3 5 35। अब 5 का टेबल यही पढ़ना है, 5 का टेबल को पहले नहीं आ पढ़ा, अब 5 का टेबल 35 से ज्यादा ना हो, ज्यादा हो जाएगा मोर हो जाएगा तो माइनस नहीं होगा, और इसलिए हम नियर अबाउट 3 के पास में ही पहुंचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5 का टेबल, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 6 30 माइनस तो हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 5 6 के आगे 5 7 35, ओ 35 तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो हम 5 7 35 कर लेंगे। 5 के टेबल में 35 कहाँ आया, 5 7 पर, 7 को यहाँ लिखते हैं, और 35 के नीचे 5 7 35 आया, उसको लिखा, और 35 में से 35 को माइनस करते हैं, ये माइनस होके 0 ही आएगा, क्योंकि 35 में से 35 को माइनस किया 0 आया, और ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, यही हमारा आंसर भी होता है, ठीक है बच्चों। ये अच्छा लगा आपको? अच्छा, एक और इधर भी सवाल है, इसको भी करते हैं हम लोग। इसमें टेबल क्या पढ़ना है, इसमें 6 का टेबल पढ़ना है, डिवाइजर हमारा 6 है, और 6 के टेबल में देखते हैं 2 पे कुछ आता हो, 6 6 6 2 10 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 5 नहीं जाएगा 6 5 30 नहीं हो पाएगा, तो 6 4 जा करेंगे, तो माइनस नहीं हो पाता, तो 6 4 24 24 की 24 यहाँ लिखते हैं, और अब माइनस करेंगे हम। 1 में से 4 को माइनस किया, क्या बचा, 3 8 1 2 3 4 4 माइनस किया 1 2 3 4 बचा, यहाँ बचा 4।
कैरी यहाँ हमारे पास ये तो बचा, माइनस होके बचा, और ये वाला टू को हम इसके ठीक इसके साथ में यहाँ लिख लेते हैं, इस वाले टू को हम नीचे ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास नई डिजिट बन गई 4 2 42। 6 के टेबल में 42 पता लगाते हैं, यानी 4 पे हमें रुकना है। 6 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
और अब हम 42 में से 42 को माइनस कर देंगे, 42 में से 42 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, जीरो ही बच जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास थोड़ा सा दूसरे तरीके से हमने और लंबे सवाल लिए हैं, लंबे सम्स को सीखिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ पूछना हो तो फिर से कमेंट से पूछ लीजिएगा। बाय बाय।